तो आप लोग नाइन्थ में 34 है स्टूडेंट है बाबू? नो सर। कितने हो? नो सर, 60 प्लस 66 बचा था सर। अच्छा तो सब कहाँ चला गया? घर हर घर तो क्लास है बाबू, इससे बेटर कहीं क्लास है लाइफ में आपको मिलेगा? घर घर क्लास है, आपका घर आपका क्लास बाबू आपके पॉकेट में आ गया। अभी क्या चाहिए? पोर्टेबल क्लास है, जहाँ लेके जाइए। खाली आपका एक इसका एक एक डिसएडवांटेज है कि आपका नेटवर्क सही रहना चाहिए। नेटवर्क सही है बाबू फिर कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखो जैसे पूछ फेस टू फेस पूछ सकते हो, डाउट नहीं समझ में आता यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है ना? दोस्तों से साथ में पहले आकर गप कर सकते हो, ठीक है ना? एक दूसरे से कुछ मतलब पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो क्या कमी, कुछ तो कमी नजर नहीं आता। म्यूट करो शैतान, नहीं तो बाहर करो। म्यूट करो किसका जी? यहाँ भी जैसे कौन है सुरुचि, ये डेली ऐसी करती है, आती है डेली का, इसका यही काम है। सुरुचि कल भी परेशान कर रही थी। जैसे बाबू आप लोग जैसे कैसे होता है, आप लोग ऑफलाइन क्लास अगर करते हो तो कोई हल्ला करते हो उसको बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी है बाबू, आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे, नहीं तो रिमूव कर देंगे। जैसे ये तो कोई स्कूल का आज छुट्टी दे दी है, रिमूव कर दी है ना, तो यहाँ सब फैसिलिटी है ना बाबू। यहाँ भी है, आप लोग डायरेक्ट आ जाते हो, यहाँ भी हम आप वेटिंग रूम इनेबल कर देंगे तब हमको परमिशन देना पड़ेगा। ये तो इनेबल किया डिसेबल किया तब ना बाबू, तो सब फैसिलिटी तो है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते वैसे यहाँ भी तो है, हमको कोई अंतर नहीं बुझाता है ना, मजेदार भी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ठीक है ना? तो डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लिए थे, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कर लिए थे बाबू, है ना? थोड़ा सा और एक क्वेश्चन कर लेते बाबू, लिखिए। अ साइक्लिस्ट बाबू, अ साइक्लिस्ट बाबू, जल्दी से इसको करके बनाइए। तो अ साइक्लिस्ट बाबू कवर, साइक्लिस्ट बाबू कवर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाबू इन कितना दिया बाबू? 5 मिनट, 5 किलोमीटर बाबू इन 5 मिनट। थ्री कीजिए, डाटा आसान हो जाएगा। एक साइक्लिस्ट बाबू कवर 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है ना बाबू? 5 मिनट। कैलकुलेट कीजिए स्पीड, जल्दी से करो, ऑब्जेक्टिव टाइप यही आएंगे। कैलकुलेट बाबू हिज स्पीड इन बाबू इन शैतान मेरे, किस में दिया? सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर जल्दी बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब क्या बाबू? सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरा क्या कर रहा शैतान? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, एमएस मिस्टर धोनी बाबू। थर्ड बाबू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, के एम पर आवर, है ना? साइक्लिस्ट है बाबू 3 किलोमीटर 5 मिनट में चल जाता, तो उसकी स्पीड निकालनी आपको, ठीक है बाबू? स्पीड निकालने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में, डिफरेंट डिफरेंट बाबू, यू हैव टू फाइंड द स्पीड बाबू इन डिफरेंट यूनिट, डू एंड फास्ट। नेक्स्ट बाबू आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाएंगे। कौन करेगा? गुलशान, सुरुचि बाबू? ये तो पढ़ती नहीं है सुरुचि, तो और नहीं पढ़ती, खाली शैतानी करती है। ए सुरुचि बोलिए ना, जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए शैतान मेरे। अस्मित इतना देर बाबू बन गया सर, एक का कितना है बताइए, सेंटीमीटर पर सेकंड में? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और सी 6 किलोमीटर पर आवर, और सी का 6 किलोमीटर पर घंटा सर। 30 आता बाबू, 36 सर, 36 सर, हाँ 36 आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, वाह सभी सभी टैलेंटेड है इसका मतलब। चलो ठीक है बाबू, बहुत अच्छी बात है। चलिए जिसका बन गया अच्छी बात है बाबू, जिसका नहीं बना वो देख लीजिए, है ना? जिसका बन गया उसके लिए तो खुशखबरी है, मिठाई उठाई खिलाइए, है ना बाबू? अब जिसका नहीं बना वो देखो जल्दी से, कुछ मत करना। देखो जो जो यूनिट पहले दिया उसको कन्वर्ट करो, ठीक है? वो पहले सेंटीमीटर दिया हो तो 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर मीटर में कन्वर्ट करो, फिर 3 किलोमीटर, हम लोग सब डाटा यूज कर लेंगे। 3 किलोमीटर बाबू कितना, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 किलोमीटर बाबू कितना? 3000
मीटर हो जाएगा है ना बाबू, 3000 मीटर हो गया ठीक है बाबू, 3 किलोमीटर, फिर सेंटीमीटर में ले बाबू, तो 1 मीटर में बाबू कितना 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3000 × 100 कर दो, ये कैसा हो गया सेंटीमीटर हो गया। अरे बाबू किलोमीटर है, तो किलोमीटर हो ही गया, मीटर हो ही गया, सेंटीमीटर हो ही गया। अब जो डाटा रहेगा वो हम यूज कर लेंगे, नेक्स्ट बहुत टाइम है। अरे मेरे शैतान, तो ये क्या हो गया बाबू, लिखना पड़ेगा ना मेरे शैतान, ये क्या होगा शैतान, ये डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस है ठीक है ना, ये क्या है शैतान मेरे, डिस्टेंस ठीक है। नेक्स्ट बाबू टाइम, टाइम मेरा कितना 5 मिनट है बाबू ठीक है सर, तो 5 मिनट बाबू इसको घंटा सेकेंड है और आवर है, दो ये चीज है ना, तो 5 मिनट को बाबू अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 5/60 आवर हो जाएगा, कितना घंटे हो गए, इक्वल टू 1/12 हो जाएगा बाबू, 1/ इसको कट करो 12 टाइम्स शैतान, सेकंड कितना हो जाएंगे बाबू, एक घंटे में बाबू कितना 3600 सेकंड हो जाएंगे, तो इसको 3600 से गुना कर दो 1/12 बाबू इंटू 3600, बढ़ती है 3600 हो गया 300 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। अब बाबू जो डाटा आपको चाहिए वो डाटा यहाँ से उठाइए यार, यहाँ से आंसर में सबसे चूट कीजिए, बस कुछ नहीं करना था हमको, क्या स्पीड निकालना, क्या निकालना शैतान, स्पीड निकालना, तो डिस्टेंस स्पीड कैसे सेंटीमीटर वाला, सेंटीमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सेंटीमीटर कहाँ से यहाँ है ना, जो नहीं बनाया बाबू बनाओ, जो बना लियो बाबू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है ना बाबू 3000 × 100, बट क्या है सेकेंड है, सेकेंड में कितना 300 है, 1, 2, 0 गया, यहाँ से 3 गया बाबू, यहाँ से 10 आ गया, कितना हो गया 1000 हो गया। यूनिट बाबू आप लोग कंसिडर करना, यूनिट ऊपर हमने क्या लिया सर सेंटीमीटर लिया, नीचे क्या लिया बाबू सेकेंड लिया है ना, तो ये हो जाएंगे 1000 बाबू सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट शैतान, क्या मीटर पर सेकेंड में स्पीड पूछ रहा, मीटर पर सेकेंड में क्या पूछ रहा बाबू, स्पीड पूछ रहा, तो मीटर पर सेकेंड में स्पीड मेरा कितना आ जाएगा, मीटर वाला कहाँ गया सर, कहने गया ये ई वाला मीटर, तो ये छाप दो 3000 मीटर हो गया, और सेकेंड है बाबू सेकेंड कहाँ गया 300 सेकेंड हो गया, 1, 0, 2, 0, 3 से 10 टाइम्स कितना बाबू 10 मीटर हो गया आप पर सेकेंड हो जाएगा है ना, नीचे सेकेंड है बाबू। 3 नंबर बाबू किस में पूछ रहा बाबू, किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड स्पीड शैतान मेरे, स्पीड बाबू स्पीड किलोमीटर, किलोमीटर कितना सर 3 है, घंटे घंटे कितने बाबू, घंटे कितने हैं 1/12 आवर है, तो 1/12 हो गया, ये किलोमीटर हो गया ये आवर हो गया, तो ये हो जाएगा कितना बाबू 36 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो गया। जल्दी से राइट डाउन करो, जो नहीं बनाए बाबू राइट डाउन करो, ऐसे इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, तो ये सबका बेसिक टाइप क्वेश्चन है बाबू, इसमें ज्यादा दम है नहीं। नेक्स्ट आपको पढ़ाते बाबू, ईसा लिख लो बाबू, लिख लीजिए ईसा बाबू, लिख ली यस सर, श्वेता आप लिखी श्वेता बोलिए ना बाबू, यस सर, वाह बाबू वाह वाह, आप लोग का वीडियो कंपलसरी ऑन करवा देंगे बाबू, बहुत कंप्लेन आता सर ये सब पढ़ते लाइव क्लास तो आप चला रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ते सर, इधर डांस करते उधर डांस करते हैं ठीक है ना, आज कोई पबजी है कोई फ्री फायर में है। नो सर, हाँ बाबू बहुत सारे शैतान है, कोई पबजी में लगा रहता है कोई फ्री फायर में लगा रहता है, वीडियो ऑन रहेगा तो हमको पता चलेगा ना कि सब पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, क्लास में कैसे आप लोग आते हो तो अपना शक्ल दिखाते हो, जो इधर उधर करता है टाइप करती है तो उसको कैसे होता है कि जब बाहर जब करता तो बाहर जाए, यहाँ आप लोग मल्टी टास्किंग हो बाबू, पढ़ाई भी कर लेते हो और उधर भी कर लेते हो। नेक्स्ट बाबू आपको हम देखो, आपको हम क्या बताए थे बाबू, जो डिस्टेंस है बाबू वो मेरा क्या स्केलर क्वांटिटी, जो बाबू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर है क्या, क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर, तो नेक्स्ट हेडिंग नहीं बाबू बता रहे हैं क्या, नेक्स्ट हेडिंग नहीं बाबू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अरे कुछ नहीं है डरना नहीं है बाबू, डरना नहीं है स्केलर वेक्टर देखे हमको डर लग गया, ना 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 डर नहीं कर, डरना नहीं है। देखो बाबू स्केलर क्वांटिटी क्या होता है शैतान मेरे, ठीक है स्केलर क्वांटिटी क्या है बाबू है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या है ना, देखो बाबू जैसे आप मार्केट गए है ना, तो दो चीज होता है हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब एक मान होता है, और एक हमारे पास बाबू डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन होता है ना,
तो मार्केट गए बाबू, आप कहे कि हमको 5 kg राइस दे दो, तो 5 kg राइस दे दो बाबू, तो आप मार्केट में क्या कहिएगा जाके कि हमको 5 kg राइस दे दो। ठीक है सर, 5 kg राइस दे दिया, है ना, ठीक है। अब बाबू आप कहीं जा रहे हो, जैसे आपका दादी घर गया, चाहे आपको कोई पूछा कि आपका दादी घर के, आपका दादी घर कहाँ पड़ता है या नानी घर कहाँ पड़ता है, तो आप बोलोगे बाबू मेरा नानी घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ गया आपका नानी, तो 10 किलोमीटर किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर, तो उसके साथ हमको एक आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि हाँ 10 किलोमीटर आप ईस्ट चल जाइए चाहे 10 किलोमीटर वेस्ट चल जाइए, है ना बाबू, 10 किलोमीटर क्या चल जाइए, वेस्ट चल जाए, है ना। तो जब बाबू कोई भी चीज में बाबू एक शब्द जोड़ दोगे, क्या सर, क्या सर, डायरेक्शन, क्या बाबू, डायरेक्शन क्या ऐड कर दोगे बाबू, डायरेक्शन, अगर किसी भी बाबू एक मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो वो जो बन जाएगा आपका वेक्टर बन जाएगा, बस और कुछ नहीं है, खाली आपको ये टेंशन दे दिया है वेक्टर, है ना बाबू। मतलब बाबू आप अपने मान लो स्कूल का लोकेशन बताना चाहोगे तो कहो ना मेरा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर किधर, 2 किलोमीटर बाबू जैसे मान लो यहाँ पे आप खड़े हो शैतान, है ना, यहाँ पे खड़े हो, अब यहाँ से कहो कि 2 किलोमीटर इधर मेरा स्कूल है, तो 2 किलोमीटर इधर भी पॉसिबल हो सकता है, 2 किलोमीटर आपके इधर भी पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, 2 किलोमीटर आगे भी पॉसिबल हो सकता है, 2 किलोमीटर पीछे भी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से इधर जाए सर के इधर जाए सर के इधर जाए सर के इधर जाए, है ना। तो यहाँ से बाबू स्पेसिफाई नहीं ना है कि आप किधर कह रहे हो, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए बाबू एक शब्द जोड़ा गया डायरेक्शन, कि जब भी आप बाबू जहां भी अगर कोई चीज है, ठीक है ना, वो वहां पे अगर उसको हम डायरेक्शन के साथ इंडिकेट कर देंगे बाबू, तो वो क्वांटिटी आपका कैसा बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है ना, है ना, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। जैसे मान लो आप 2 किलोमीटर क्या बोल दिए, ईस्ट बोल दिए, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आगे, तो आपका अभी स्पेसिफाई हो गया कि स्कूल किधर है, 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाए, 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब आप स्कूल जा सकते हो, है ना बाबू, ऐसे नहीं खाली 2 किलोमीटर बोलेगा तो कैसे जाओगे, है ना। तो ऐसे क्वांटिटी को बाबू हम लोग कहते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड बाबू डायरेक्शन, अरे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आप मां ये गए बनिया के यहाँ गए, गए सर, अब बोले कि 5 kg हमको राइस दे दो, तो क्या बोलोगे कि हमको 5 kg राइस ईस्ट में कर दे दो, या हमको उत्तर दिशा में 5 kg राइस दो, या हमको पश्चिम दिशा में, उठाएगा सीधे देगा, वहां पर डायरेक्शन क्या जरूरी है बाबू, वहां डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, वहां डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, ठीक ना बाबू। तो जहाँ डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी नहीं होता बाबू, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और जहाँ डायरेक्शन इंडिकेट करना कंपलसरी होता है बाबू, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू? आ गया सर, आ गया, हमारे बच्चे सब मन के सच्चे है ना। तो वेक्टर स्केलर कुछ है ही, हाँ बाबू कुछ है ही नहीं है, जो रियल लाइफ में है ना बाबू, फिजिक्स बार बार कुछ नहीं है, फिजिक्स में दम नहीं है, जो रियल लाइफ आप लोग डेली कर रहे हो ना वही है बाबू, उसी को ऑब्जर्व करके हमको लिखाना थोड़ा बहुत समझाना है ना। लेकिन इतना दिन तक अभी आप तो कह नहीं, आपको हम क्या कहें, डेली चावल लाल लाते हैं यो मधुरकंद से, है ना, तो चावल ही नहीं खरीदा रहे हैं बाबू, आपके दादी घर जाते हैं यो, है ना, तो वही कर रहे हैं ना, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल उसी को तो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं कि रॉकेट साइंस है, है ना। चलिए अच्छी बात है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या लिखेंगे बाबू, जिसमें सिर्फ खाली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, फिजिक्स में एक शब्द दे दिया मैग्नीट्यूड, मतलब जिसमें खाली सिर्फ वैल्यू, जैसे 5 kg, तो 5 kg क्या हो गया, वैल्यू हो गया ना, तो उसी वैल्यू को फिजिक्स में एक नया वर्ड जोड़ दिया है, मैग्नीट्यूड, है ना बाबू, क्या जोड़ दिया गया, मैग्नीट्यूड जोड़ दिया है ना। ठीक है बाबू, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, अब क्वांटिटी बाबू, क्वांटिटी बाबू विच हैज बाबू, a quantity बाबू which has only magnitude, मतलब भाईलू मेरे सैतान, only magnitude बाबू is called सैतान, is called सैतान a scalar quantity, mute कर लो सैतान मेरे, सैतानी क्यों कर रहे हो, a scalar quantity है ना। इसका example क्या क्या हो सकता है सर, जैसे आप मास जाते हो बाबू, तो मास खरीदते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास कहेंगे, तो मास में क्या कहोगे कि हमको 5 kg राइस पूरब में करके दीजिए कि वेस्ट में करके दीजिए, नहीं ना कहोगे 5 kg, मतलब 5 kg सिर्फ क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है, हाँ सर, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या है, लेंथ है, तो लेंथ है बाबू, लेंथ मतलब क्या बाबू, स्पेन का लेंथ, तो स्पेन का मान लो लेंथ है, तो लेंथ ये क्या मान लो 5 cm, तो 5 cm पूरब में कहोगे कि पश्चिम करो, 5 cm हाइट है, पश्चिम है ये पूरा पश्चिम नहीं है, डिफाइन होगा, तो सेकंड क्या हो गया बाबू, लेंथ है ना, ये सब क्या बाबू, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बाबू क्या है, टाइम, टाइम मान लो बोलते हो कि 10 बजा, तो 10 क्या बजा,
दस बजे बजा पूरा बजा के पश्चिम बजा, दस पूरा में बजा के पश्चिम बजा, नहीं ना ऐसा पॉसिबल बाबू, मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या है बाबू, मैंने चोर संग बाबू, है ना बाबू, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू भाईलूम, है ना भाईलूम भी जानते हैं, म्यूट कर लो शैतान मेरे भाई, म्यूट कर भाईलूम बाबू। और क्या बाबू, डेंसिटी, डेंसिटी ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते बाबू, ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते। दिस क्वांटिटी आर बाबू कॉल्ड, दिस क्वांटिटी आर बाबू कॉल्ड, दिस क्वांटिटी आर बाबू कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, हाँ बाबू बोलिए सर। हाँ बोलिए ना। पहचानने का नियम, कुछ पहचानने का नियम होता होगा ना, जैसे कि बहुत सारा चीज दिया हुआ है, मास, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम, लेंथ, तो उसको छांटना रहता है, तो उसका कुछ होता होगा ना। ये सब डाटा उतना हाई लेवल पे मत ना सोचिए, जो जो लिखा है इससे ज्यादा आता ही नहीं है ना, ठीक है ना बाबू, यही सब चार पांच एग्जांपल है इधर करता है, ठीक है ना। पहचानने का नियम क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं किया गया, ठीक है ना। जो डाटा जो एग्जांपल है बाबू, यही सब घुमा फिरा के आपको सभी जगह मिलेंगे। अरे जिसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा शैतान, उसको हम लोग स्केलर कर देना, जिसमें डायरेक्शन रहेगा उसको हो बेहतर कर देना, दोनों पढ़ लो उसके बाद देखना समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बाबू क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा कोई पहचानने का नियम नहीं है बाबू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बाबू। क्या लिखा बाबू, अ क्वांटिटी, कितना बज गया शैतान मेरे अभी, है जी अ क्वांटिटी, क्वांटिटी बाबू भी छज मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी बाबू भी छज मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी छज मैग्नीट्यूड बाबू, एज वेल एज बाबू डायरेक्शन। क्वांटिटी बाबू भी छज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बाबू वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड बाबू वेक्टर क्वांटिटी, है ना वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या सर, फॉर एग्जांपल बाबू जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका क्या स्केलर क्वांटिटी है ना बाबू, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट अगर करते बाबू तो क्या करते हैं, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन करते हैं, तो वहां पे एक डायरेक्शन आपको इंडिकेट करना जरूरी हो जाता है ना, वो इंडिकेट करना जरूरी हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज है जिसको आप लोग ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट बाबू ऐसे पहचानने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू वेक्टर, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ो ना वैसे अपने आपको, जैसे आप कोर्स पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा वेक्टर क्वांटिटी है ना बाबू, तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, आप वेलोसिटी पढ़ाएंगे इसके बाद टॉपिक वेलोसिटी पढ़ाएंगे, है ना बाबू, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है सर, इसमें प्रेशर आएगा, प्रेशर बाबू देखो प्रेशर क्या फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर के, है ना बाबू, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में है ना, क्या होता है फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रेशर वेक्टर कह सकते हो, ठीक है बाबू। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया बाबू, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, और बहुत सारे चीज नहीं है ना बाबू, बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ठीक से। अभी दोनों में अंतर कैसे राइट डाउन करो, फिर इसका अंतर बताते बाबू, दोनों में एडिशन कैसे करोगे, हो गया सर, हो गया। देखो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना रहे शैतान, ऐड करना रहे तो डायरेक्ट ऐड मत कर देना, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब ये बाबू कि जैसे मान लो कि एक चीज 3 मीटर लेंथ हो गया, एक 4 मीटर लेंथ हो गया, है ना, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 7 मीटर कि नहीं शैतान, है ना। अब मान लो बाबू 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, अब 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों तो डिस्प्लेसमेंट बाबू चाहे डिस्टेंस, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना, दोनों का यूनिट तो सेम ही होता है, मीटर मीटर होता है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट क्या बाबू 3 मीटर अब 4 मीटर करेगा, तो यहाँ आप 7 मीटर कर दोगे तो गलती हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐड करने के लिए बाबू ट्राइंगल रूल होता है, ट्राइंगल रूल होता है, ट्राइंगल रूल होता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ ट्राइंगल रूल होता है ना, ठीक है। जैसे मान लो बाबू 3 मीटर मान लो आपका ईस्ट गया, डिस्प्लेसमेंट अगर कहते 3 मीटर इधर ईस्ट पड़ता, फिर बाबू मान लो 4 मीटर ऊपर क्या पड़ता है, साउथ पड़ता, तो 4 मीटर ऊपर गया, तो अगर टोटल डिस्टेंस कहेगा तो आपका कैसे निकालोगे, 3 प्लस 4 7 मीटर हो जाएगा,
लेकिन इसी में कहेगा बाबू कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट का देगा, जो आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 3+4 मत कर देना। क्यों सर? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी बाबू डायरेक्ट ऐड नहीं होते, डायरेक्ट ऐड नहीं होते, इसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है ऐड करने का, ठीक है ना, जिसको लास्ट वेक्टर एडिशन कहते हैं, जिसको लास्ट क्या कहते हैं बाबू, वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा बाबू, तो ये दोनों पॉइंट को शॉर्टेस्ट जो ये डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9+16 5 आ जाएगा, 5 मीटर, है ना। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं बाबू, वो डायरेक्ट ऐड नहीं होते, अल्जेब्रिक में कैसे हम लोग ऐड कर देते, वैसे नहीं ऐड होता है, ये बाबू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड होते, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड होता है ना, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है जी? साहिल प्रसाद, प्रसाद जी की खाली प्रसाद बटिएगा, नहीं समझ में आ रहा बाबू? समझ में, चलिए अच्छी बात है। अब बाबू आपको वेलोसिटी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं बाबू? वेलोसिटी पढ़ाते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सर देखो, वेलोसिटी या डिस्प्ले, वेलोसिटी और स्पीड, पहले दोनों के बारे में सोचो सर, लेकिन एक एग्जांपल बता देते हैं सर एडिशन करने के लिए। सर एडिशन भी पढ़ो बाबू, आप लोग के तो सिलेबस में दिल्ली नहीं है, लाभ देता है उसका एक चैप्टर है, बता दे ऐसे क्लैरिफाई हो जाता है। देखो अरे शैतान, ऐसे करना, लाभ भक्कर एडिशन कुछ भी नहीं करता बाबू, जो आपका पाइथागोरस के प्रेम है ना बाबू, अब इसमें हमारे अगर लाभ भक्कर एडिशन बताना पड़े तो आपको पहले यूनिट भक्कर बताना पड़ेगा। यूनिट भक्कर का नाम सुनने हो? नो सर, नो सर, यूनिट वेक्टर का नाम ही नहीं सुना, तो कैसे ऐड करोगे? देखो मोटा मोटी समझने की कोशिश करो, मान लो बाबू वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होते हैं, एक डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी, जो भी रहेगा वो फोर्स रहेगा, मास रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन को बाबू, अब डायरेक्शन जो होते हैं बाबू, जैसे मान लो इधर मेरा 3 मीटर है, ठीक है ना, तो अगर इसमें बाबू अब एक टर्म आता है यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग आई कहते हैं, जे कहते हैं, के कहते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है बाबू, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, तो इसको इसी तरह से ऐड करते हैं, जैसे 3i हो गया प्लस 4y अगर हो गया, समझ ही में नहीं आएगा बाबू, समस्या ये ना है, ये 4j हो गया, तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5, और यहाँ से ऐड करोगे बाबू तो आई जे के डायरेक्शन में एंगल करते हैं, तो समझ में इसको मतलब इसको डायरेक्शन पढ़ने के बाद आपको हमको यूनिट वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर का एक चैप्टर ही अलग है, उसके बाद आई जे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो देखेंगे आप लोग का समय बचेगा तो बता देंगे, पहले हम लोग अपना सिलेबस कवर करते हैं ना, सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू हमारी प्रायोरिटी है अपना सिलेबस कवर करने का, नहीं तो ये 3-4 को क्लास का मेरा ले लेगा। चलिए बाबू नेक्स्ट, आप लोग बाबू अब एक टर्म सोचिए, वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? स्पीड आप लोग को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होता है, दोनों के बारे में थोड़ा सा सोचिए, तो एक टर्म है बाबू आप लोग के लिए स्पीड है, एक टर्म है वेलोसिटी, हमको क्यों जरूरत पड़ा, दोनों का यूनिट क्या होता है सैतान बताओ, इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट बाबू कौन बताएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, एक रो यही होता है, वेलोसिटी का भी यही होता बाबू, वेलोसिटी का भी यही होता है, वेलोसिटी का कोई नया चीज नहीं होता, इसका भी यूनिट यही होता है ना, दोनों बाबू यूनिट सेम ही है, और दोनों मेरा सेम ही चीज को बताता है, ठीक है ना, लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, एनीबॉडी बाबू, जिस तरह से बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होते हैं, शैतान म्यूट कर लो ना, शैतान बाबू बीपी हाई क्यों करवाते, म्यूट कर लो ना, जिस तरह से बाबू डिस्टेंस बाहर निकाल देंगे, कौन है जी, हटो इसको बाहर, सुरुचि हो गई, इसका यही नोटिंग किया, हर्षित है, हर्ष रंजन, सुरुचि है ना, इसी को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, नोटिंग कर लिए, डेली डेली इसका नौटंकी रहवे करता सुरुचि का। हाँ बाबू, तो हम लोग क्या कर रहे थे बाबू, क्या कर रहे थे बाबू, कि जैसे आपको आपको डिस्टेंस का कंसेप्ट बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बता चुके हैं ना बाबू, ठीक है, ठीक है सर, तो उसी तरह बाबू स्पीड ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना, तो दोनों क्या चीज है, डिस्टेंस क्या है, सिर्फ उसमें बाबू मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना, मैग्नीट्यूड रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ डायरेक्शन भी रहेगा, जैसे मान लो 3 मीटर गया, तो 3 मीटर अगर सिर्फ खड़े बोल रहा है बाबू, सिर्फ 3 मीटर गया, मान लो यहाँ से 3 मीटर गया, तो सिर्फ 3 मीटर अगर कोई कह रहा, मतलब क्या कह रहा, ये सिर्फ बाबू क्या मैग्नीट्यूड है, तो ये डिस्टेंस कह रहा है, डिस्टेंस कह रहा है, डिस्टेंस कह रहा है शैतान मेरा, लेकिन यही बाबू कोई बोल दे कि 3 मीटर बाबू अगर साउथ गया, या 3 मीटर बाबू ईस्ट गया, तो 3 मीटर अगर ईस्ट गया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया ना शैतान मेरे,
स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, है ना। तो सिमिलरली बाबू इसी तरह से वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है। अगर सिर्फ इस जैसे 5 किलोमीटर पर घंटे से मान लो आप साइकिल चला रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर से बाबू साइकिल चला रहे हो, है ना, तो 5 किलोमीटर पर आवर से यदि आप साइकिल चला रहे हो बाबू, हाँ बाबू बोलो ना, हाँ चल नहीं बोलोगे तो चुप चुप रहे, है ना बाबू, क्या कि मान लो बाबू 5 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चला, मेरे शैतान वीडियो नहीं आ रहा सर, वीडियो नहीं आ रहा आ रहा है सर भाग्य होगा उसका वीडियो सर, उसका नेटवर्क आ रहा है। चलो ठीक है, सुनो तो बाबू, जैसे मान लो कि कोई बोल दिया कि हम 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से अगर साइकिलिंग कर रहे बाबू और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्पीड हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे शैतान मेरे, स्पीड हो जाएंगे। 5 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, नए डायरेक्शन पता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। लेकिन इसी में बाबू अगर कहा जाएगा 5 किलोमीटर पर चला रहे हैं लेकिन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब क्या सर, दोनों में अंतर है, कुछो नहीं अंतर है शैतान, कुछो नहीं अंतर है, दोनों में कुछो अंतर नहीं है। वो खाली वो डायरेक्शन बोल देगा, बिना डायरेक्शन बोलेगा तो स्पीड हो जाएगा, डायरेक्शन के साथ बोल देगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, और कुछ नहीं अंतर है। तो जैसी डायरेक्शन आ गया ना, जैसी डायरेक्शन आ गया बाबू, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और सिर्फ स्पीड आ गया, स्पीड में डायरेक्शन नहीं, तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो जहां जहां डायरेक्शन आ गया वो वेक्टर डायरेक्शन नहीं आया, वो स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे जैसे आप लोग का चैप्टर पढ़ोगे बाबू, फोर्स पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, एक्सीलरेशन पढ़ोगे, तो इसमें आपको क्लियर होते होते जाएगा कि कहां कहां डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा बाबू या स्केलर क्वांटिटी होगा ना बाबू। ठीक है, आप लोग का टाइम हो गया बाबू, कितना हो गया, 8:31 हो गया ना शैतान मेरे, 32 सर, 32 है। ठीक है बाबू, तो एंड करते हैं, बाय सर, एक दो बाय बाय बाबू, बाय बाय बाबू, थैंक यू सर, बाय बाय। Nice, sir.